नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज यूनियन बजट 2023 2023 का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया गया। आज के इस वीडियो में रेलवे की भर्तियों के संबंध में अपन बात करने वाले, यानी कि रेलवे को इस बजट के अंदर क्या मिला डिटेल में अपन बात करने वाले। साथ ही ALP टेक्नीशियन JEE RPF की भर्तियों के बारे में अपडेट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कब तक ये वैकेंसी आ सकती है। अभी 75,000 वैकेंसी को लेकर के इस बजट के संबंध में चर्चाएं चल रही है, तो ये क्या न्यूज है इसके बारे में बात करेंगे, कितनी इसमें सच्चाई है। तो आज का ये जो बजट है इसमें जो बच्चे रेलवे में टेक्नीशियन है ALP JEE RPF जैसी नई भर्तियों की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए इस बजट में क्या है डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, ITI डिप्लोमा या फिर BBTech डिग्री कर रखे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की तकनीकी भर्तियों के संबंध में सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो सभी प्रकार की जॉब अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए उसको जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, आप चेक कर सकते हो। 7.7 मिलियन फॉलोअर्स है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। रेलवे को क्या मिला इस बजट में इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी है। 3-4 अलग अलग सोर्सेज है, सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसके बारे में बात कर लेती है, और निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए क्या दिया है उसके बारे में इन्होंने वीडियो जारी करके एक चीज बताई है, उसके बारे में भी अपन यहां पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो ट्वीट किया गया इसको अपन रीड कर लेते हैं। इंडियन रेलवे रिसीव्स द हाईएस्ट ईवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.40 लाख करोड़, यानी कि रेलवे को इसमें 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार अलॉट किया गया है। अप्रोक्स 9 times ऑफ द अमाउंट एलोकेटेड फॉर ईयर 2013 और 14, यानी कि 2013 और 14 के साल में जो बजट अलॉट किया गया था उसका लगभग 9 गुना बजट है वो रेलवे को इस बार अलॉट किया गया है। अब देखिए निर्मला सीतारमण ने खुद जो चीजें बताई है इन्होंने बोल करके, उस पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ, छोटा सा वीडियो क्लिप है आप सुन लीजिए। रेलवेज अ कैपिटल आउटले ऑफ 2.40 लाख करोड़ हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द रेलवेज। दिस इज द हाईएस्ट एवर आउटले अबाउट एंड दिस हाईएस्ट एवर आउटले is about 9 times the outlay made in 2013-14. तो दोस्तों निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट में जो शब्द रेलवे के लिए बोले गए वो आपने सुने, और वही चीज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है इस पे आपको देखने को मिलेगा। जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव उनकी तरफ से भी जो ट्वीट करके बात बोली गई वो केवल और केवल यही बोली गई। अब मीडिया के अंदर जो चीज चल रही है 75,000 वैकेंसी को लेकर के वो क्या है उस पर अपन मैं आपको लेके चलता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों 75,000 वैकेंसी की जो न्यूज सबसे पहले निकल के सामने आई है वो ट्वीट किया गया फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से। फर्स्ट इंडिया न्यूज का 2-3 बजे के आसपास में आप ट्वीट देख लीजिएगा, ये ऑफिशियल ट्वीट है फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से किया गया, जिसमें यहाँ पे चीजें बता रखी है। पहली जो चीज है रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, ये तो बात बिल्कुल सही है जो कि यूनियन बजट के अंदर खुद निर्मला सीतारमण की तरफ से बोला गया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अपने ऑफिशियल अकाउंट पर इस चीज को लिखा भी गया है। रेलवे में 75,000 नई भर्तियां होंगी इस चीज के बारे में न तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कोई ट्वीट करके बताया और न ही निर्मला सीतारमण की तरफ से आज के आम बजट में कोई एक शब्द भी इस चीज के बारे में नहीं बोला गया। रेलवे में भर्तियों को लेकर के निर्मला सीतारमण की तरफ से आज के ये जो सेशन इनका था बजट का, इसके अंदर इन्होंने कोई भी शब्द नहीं बोला है। तो एक तरीके से ये अपन चीज देखें तो 75,000 वैकेंसी वाली ये बिल्कुल मैं तो मानता हूं कि फर्जी है, क्योंकि न तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ट्विटर अकाउंट पर यह चीज है और न ही पूरे बजट में मैंने खुद सुना है निर्मला सीतारमण की तरफ से रेलवे में नई भर्ती को लेकर के कोई भी अपडेट इनकी तरफ से नहीं दी गई है। दोस्तों मोदी सरकार का ये जो कार्यकाल है इसका ये अंतिम बजट है, अगर इस प्रकार की कोई चीज होती इनकी तरफ से रेलवे को नई भर्ती दी जाती 75,000 पदों की तो एक बार निर्मला सीतारमण की तरफ से एक बार तालियां इस भर्ती को लेकर के और बजवाई जाती, क्योंकि सभी चाहते हैं वाई वाई लूटनी और इनका ये अंतिम बजट है, लेकिन रेलवे की तरफ से इसके निर्मला सीतारमण की तरफ से इस भर्ती के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी गई। हाँ पहली जो चीज लिखी है बिल्कुल सत्य है, 3 नंबर पर जो लिखा है, 4 नंबर पर लिखा है, जो 5 नंबर पर लिखा है, ये सारी चीजें सत्य है, इनके बारे में बजट
के अंदर बताया गया, लेकिन 75,000 बटन ये चीजें बिल्कुल फेक है। और यूट्यूब पे अब आपको इस चीज के बारे में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग इस चीज पे वीडियो बनाएंगे अलग अलग कोर्सेज सेल करने के लिए। 75,000 नई भर्तियां उनको स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन बजट में इसके बारे में एक भी चीज नहीं बोली गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूं एनडी टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस बजट के बारे में उन्होंने एक एक अपडेट दिया, तो वहां पर भी आपको सच्चाई के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों ये एनडीटीवी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें इस चीज के बारे में क्या लिखा गया है और 75,000 का जो नाम निकल के आ रहा है वो कहां से आ सकता है, इसके बारे में पर बात करेंगे। देखिए यहां पे दो चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। एक तो जैसे कि अपन ने पहले देखा है 2.40 लाख करोड़ रुपए का जो बजट रेलवे को अलॉट हुआ इस बार उसके बारे में बताया गया है, जो कि 9 गुना है 2013 और 2014 की तुलना में, वो चीज इन्होंने बता रखी है। उसके बाद में 75,000 वाली जो बात निकल के आ रही है इसके बारे में पर जाने, तो यहाँ पे लिखा है सी अनाउंड 75,000 करोड़ फॉर 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वही चीज लाइकली टू हेल्प द रेलवे फ्राइट बिजनेसेस इन पर्टिकुलर, यानी कि फ्राइट बिजनेसेस यानी कि DFCCL जैसे डिपार्टमेंट है जो फ्राइट डेडिकेटेड रेलवे है, जो कि DFCCL है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में ही आते हैं, तो इस प्रकार के जो फ्राइट बिजनेसेस है उनके लिए 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए है वो इनकी तरफ से अलॉट किए गए हैं। ऑल ओवर मेरे हिसाब से ये जो 75,000 वाली बात निकल के आ रही है ये है यही से निकल के आ रही है, अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए इस बजट में नई भर्तियों को लेकर के कोई एक शब्द तक भी नहीं बोला गया। अब बात ही आती है कि सर रेलवे जेई टेक्नीशियन ALP ये भर्तियां कब तक आएगी। देखिए दोस्तों एक रेलवे की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर एक लेटर जारी किया गया था जिसके अंदर बताया गया था भाई रेलवे की तरफ से जो ALP है उसकी तो वेटिंग है, उसको इन्होंने क्लियर कर लिया, इन्होंने भर लिया है। टेक्नीशियन और जेई है उसके लिए इन्होंने बताया भी 30 जून 2023 तक की जितनी भी वैकेंसी है उनको 2018-19 वाली भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनसे भरे जाएंगे, यानी कि 30 जून 2023 तक की जितनी भी खाली वैकेंसी होगी 2018-19 वाले बच्चों से भरी जाएगी। ठीक है, तो अभी वैकेंसी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आएगी तो 2023 में आएगी, आने के पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने की उम्मीद तो नहीं है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि 30 जून 2023 तक की भर्ती है उनको वेटिंग लिस्ट वालों से भरी जाएगी, रेलवे की तरफ से ये खुद ऑफिशियल सर्कुलर जारी करके अपने को बताया गया है। और दूसरी चीज ये है कि 2,40,000 करोड़ रुपए जो रेलवे को अलॉट किए गए, तो रेलवे बड़ा डिपार्टमेंट है, जब यहां पे भर्तियां होती है तब भी बहुत ज्यादा बजट की जरूरत होती है और ये चुनाव का साल है, तो हो सकता है 2.40 लाख करोड़ रुपए जो इन्होंने अलॉट किए हैं नई भर्तियों को देखते हुए भी इन्होंने अलॉट किया होगा, लेकिन इस बजट के अंदर 75,000 भर्तियों के बारे में नई भर्तियों के बारे में इनकी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। अब देखना यह है कि 2.40 लाख करोड़ रुपए जो इनकी तरफ से अलॉट किए गए मिनी चीजें देखेंगे भी ये अलॉटमेंट है वो कौन कौन सी चीजों को लेकर के देंगे, इनके बारे में भी इनकी तरफ से स्टेटमेंट आएगा। रेलवे की तरफ से भी ये 2,40,000 करोड़ रुपए इनको कहां कहां लगाया जाएगा, गवर्नमेंट का क्या ऑर्डर होता है, इस चीज के बारे में भी अपने को आने वाले थोड़े दिनों के अंदर पता चल जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।